गाइस बैकग्राउंड में आप ये जो बवंडर देख रहे हो, ये बवंडर वाला फीचर OP36 अपडेट के बाद हमारे गेम में आने वाला है। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये होने वाली है हमारे न्यू फीमेल कैरेक्टर। अब इसकी एबिलिटी क्या होने वाली है, इसकी फुल डिटेल्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट स्टोरेज के एक बहुत ही यूनिक और कमाल की वीडियो में। और पिछली वीडियो की तरह ही आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारे फ्री फायर के OP36 अपडेट में आने वाले 15 बहुत ही कमाल के चेंजेस यानी अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। और इस वीडियो में आपको इतने कमाल कमाल के अपकमिंग अपडेट्स बताने वाला हूं, जिन्हें सुनने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा, आग लगा दी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 15, तो दोस्तों नंबर 15 पर जो अपडेट निकल के आता है वो अपडेट है हमारे M1887 यानी हमारे दो नली वाले शॉटगन को लेकर। इस OP36 अपडेट के बाद M1887 गन में भी हम लोग को अटैचमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपको स्टॉक और फोरग्रिप देखने को मिलने वाली है, जो कि एक काफी बड़ा चेंज है M1887 में, क्योंकि स्टार्टिंग से इसमें कोई भी यहाँ पे अटैचमेंट नहीं लगता था। बट फाइनली इस अपडेट के बाद हम लोग को यहाँ स्टॉक और फोरग्रिप अटैचमेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है M1887 गन। नंबर 14, तो दोस्तों नंबर 14 पर जो अपडेट निकल के आता है वो अपडेट है हमारे वेपन सेक्शन से लेकर। वेपन सेक्शन में हम लोग को एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, गैलरी। अब इस गैलरी में जो जितने भी आपकी गन है उन्हें डिवाइड किया जाएगा उनके मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ आपको जो रेड गन का कैटेगरी दिख रहा है, इसमें आप लोगों को ईवो गन स्किन्स देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो येलो कैटेगरी, इसमें आपको लेजेंडरी स्किन्स देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो पिंक है उसमें उससे भी कम लेजेंडरी, फिर स्काई ब्लू है जो उसमें उससे भी कम लेजेंडरी, और ग्रीन वाले सेक्शन में जो सबसे ज्यादा नॉर्मल गन स्किन है जिसे लोग बहुत ही कम यूज करते हैं, जो कि काफी सस्ती गन स्किन से वो होने वाले। तो काफी बढ़िया लगा मुझे वाला ऑप्शन, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि मतलब आपके पास जो गन स्किन है वो कितना लेजेंडरी, कितना लो लेवल का, कितना हाई लेवल का है। और साथ ही यहाँ पे आप सभी गन स्किन्स को एक साथ देख सकते हो, जो कि दिखने में भी काफी ओपी लग रहा है। तो ये वाला अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 13, तो दोस्तों नंबर 13 में जो अपडेट निकल के आता है वो अपडेट है हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड से लेकर। आपको तो पता ही होगा कि सोशल जोन एक नया चेंजिंग आने वाला है ट्रेनिंग ग्राउंड में, लेकिन इसके साथ हमारा जो फाइटिंग जोन है ट्रेनिंग ग्राउंड का, इसमें भी हम लोग को एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है। ट्रेनिंग ग्राउंड में पहली बार हम लोग को यहाँ पे मेडिकेट भी देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, अभी के टाइम पे तो इनहेलर अवेलेबल है हम लोगों को हेल्थ इंक्रीज करने के लिए, बट इस वाले OP36 अपडेट के बाद यहाँ पे मेडिकेट भी अवेलेबल होने वाला है ट्रेनिंग ग्राउंड में। लेकिन मुझे ये बताओ कि इतना टाइम, इतना फुर्सत किसके पास है कि ट्रेनिंग में मेडिकेट यूज करेगा बैठ के। जो कैंपर्स है वो कर सकते हैं, बट रशर्स कुछ नहीं करने वाले। बाकी आप मेडिकेट यूज करो कि नहीं ट्रेनिंग ग्राउंड में अपडेट के बाद कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 12, तो दोस्तों नंबर 12 पर जो अपडेट निकल के आता वो अपडेट है हमारे क्लैश स्क्वाड मोड से लेकर। जब आपका क्लैश स्क्वाड मोड स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जहाँ पे आपके टीममेट का नेम, हेडशॉट रेट, केडी ये सब दिखा देता है। लेकिन इस वाले अपडेट के बाद आप अपने टीममेट का जो कैरेक्टर स्किल है वो भी देख सकते हो, आप अपना खुद का भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला अपडेट ऐसा कुछ आने वाला है जहाँ पे आप अपने टीममेट का ऑल कैरेक्टर स्किल देख सकते हो, टोटल कौन कौन सा स्किल वो यूज कर रहा है। और साथ ही जब मैच स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड होने वाला है डाटा करके, और इस डाटा पे भी क्लिक करके यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि आपके जो टीममेट्स है वो कौन कौन सा कैरेक्टर स्किल यूज कर रहे हैं, टोटल वो कौन कौन सा। यहाँ पे अभी के टाइम पे जो मेन कैरेक्टर स्किल है वही बताता है, बट अपडेट के बाद यहाँ पे टोटल यानी आपका जो टीममेट और आप खुद जो है वो टोटल कितना मतलब कैरेक्टर स्किल, कौन कौन सा कैरेक्टर स्किल यूज कर रहे हो, ये सब यहाँ पे शो करेगा। तो काफी बढ़िया लगा मुझे ये वाला अपडेट, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 11, तो दोस्तों नंबर 11 पे जो अपडेट निकल के आता है ये अपडेट भी हमारे क्लैश स्क्वाड मोड से रिलेटेड ही है। अपडेट के बाद यहाँ पे गेम का जो सिस्टम है वो खुद आपको ऑटो रिकमेंड करेगा कि आपको कौन सा गन किस राउंड में लेना चाहिए और क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। यहाँ पे जब आपका क्लैश स्क्वाड स्टार्ट होगा तो यहाँ पे खुद आपको स्टार टाइप का आइकन में यहाँ पे सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सा आइटम, कौन सा गन लेना चाहिए। न्यू प्लेयर्स को ये काफी हेल्प करेगा कि उनको कौन सा गन लेना चाहिए किस राउंड में, ये मतलब उस लोकेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा कि जिस लोकेशन में लॉन्ग रेंज की फाइट होगी वहाँ आपको लॉन्ग रेंज का गन सजेस्ट करेगा, ऑटो रिकमेंड करेगा। जहाँ शॉर्ट रेंज की फाइट होगी वहाँ पे शॉर्ट रेंज का गन यहाँ पे रिकमेंड करेगा आपको। तो काफी बढ़िया लगा मुझे ये वाला अपडेट, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 10, तो दोस्तों नंबर 10 पर जो अपडेट निकल के आता है ये अपडेट हमारे इस वाले OB अपडेट का सबसे बड़ा अपडेट है। स्पेशली ये अपडेट जो है रैंक पुशर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अपडेट ये है कि हमारा जो डबल रैंक टोकन है इसे वापस से गेम में रिटर्न करवा दिया गया है। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये चीज आपको कुछ रिवॉर्ड में मिलेगा, आपको ऐसा नहीं है कि पूरा परमानेंट मिल जाएगा, आपको कुछ कुछ रिवॉर्ड में ये आपको 7 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ऐसा कुछ मिलेगा। आप प्रूफ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 दिन के लिए मेरे को डबल रैंक टोकन मिला है। और हो सकता है कि मुझे ये बहुत लोग बोले हैं कि भाई ये एडवांस सर्वर में ही शो हो रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 4-5 एडवांस सर्वर में भी देख चुका हूं ये चीज नहीं है, मतलब पिछला जो वीडियो था, पिछला जो एडवांस सर्वर था उसमें ये डबल रैंक टोकन नहीं था। इसी OP36 अपडेट में हम लोगों को यहाँ पे डबल रैंक टोकन देखने को मिला है। तो यहाँ पे चांसेस है कि डबल रैंक टोकन जो है यहाँ पे हमारे गेम में वापस से कमबैक यानी रिटर्न होने वाला। नंबर 9, तो दोस्तों नंबर 9 पे जो अपडेट निकल के आता है वो अपडेट है हमारे गेम में आने वाले एक न्यू ग्रेनेड को लेकर। इस ग्रेनेड का नाम होने वाला कोरिजन या कोरिजन ग्रेनेड, ऐसे कुछ अजीब सा नाम है इसका। और ये जो ग्रेनेड है ये
बहुत ही स्पेशल ग्रेनेड होने वाला है हमारे गेम के अंदर। और इस ग्रेनेड की एबिलिटी यानी इस ग्रेनेड का काम यह है कि जब आप ग्लूवॉल लगाते हो तो आप ही ग्लूवॉल को ये सिर्फ 4-5 सेकंड के अंदर डिप्लॉय यानी तोड़ देगा। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ग्लूवॉल लगाया और जैसे ही मैंने ये नेड उसमें फेंका तो ये 4-5 सेकंड के अंदर ये पूरे ग्लूवॉल को तोड़ दे रहा है। साथ ही ये एनिमी को भी डैमेज देता है, 18 या 20 का ऐसा कुछ डैमेज देता है। एक और स्पेशल बात यह है कि ये आपको डैमेज नहीं देता, ये ओनली एनिमी को डैमेज देता है और साथ ही यहाँ पे ग्लूवॉल को तोड़ने का काम करता है, जो कि काफी यूनिक चीज लगी मेरे को देखने में। और साथ ही इसका जो इंटरफेस है बिल्कुल यहाँ पे ऐसा लगता है कि एसिड यहाँ पे मतलब गर्म हो रहा है, खोल रहा है। तो आपको ये ग्रेनेड कैसा लगा, आप इस ग्रेनेड के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 8 पे जो अपडेट निकल के आता है वो अपडेट हमारे गेम में आने वाले न्यू कैरेक्टर को लेकर। पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया था और हो सकता है कि आप सभी को पता चली गया हो कि हमारे जो न्यू कैरेक्टर है उसकी एबिलिटी क्या होने वाली है। बट एबिलिटी तो आपको पता चला बट अभी तक इसका नेम रिवील नहीं किया गया है, एक मिस्ट्री कैरेक्टर है। बट लीक्स के अकॉर्डिंग मुझे इस कैरेक्टर का नाम पता चल गया है। इस कैरेक्टर का नाम होने वाला तत्सुया और ये कैरेक्टर कुछ इस तरह का दिखने वाला है, जैसा कि आप इंटरफेस इसका बैकग्राउंड में देख सकते हो जो कि काफी कूल लग रहा है, काफी भयानक दिख रहा है। और इस कैरेक्टर को जो हमारा शीरो कैरेक्टर है हमारे गेम में उसका भाई बताया जा रहा है, यानी शीरो कैरेक्टर का भाई तत्सुया। और ये कैरेक्टर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 7 पर जो अपडेट निकल के आता वो अपडेट है हमारे गेम में आने वाले न्यू फीमेल कैरेक्टर को लेकर। यानी इस OP36 अपडेट में हमारा जो न्यू फीमेल कैरेक्टर होने वाली है वो कौन होने वाली है। तो सूत्रों के हिसाब से मुझे ये पता चला है कि जो हमारे न्यू फीमेल कैरेक्टर होने वाली है उसका नाम होने वाला लूना और ये कैरेक्टर कुछ इस तरह की दिखने वाली है जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुका हूं। और बात करें इस फीमेल कैरेक्टर की स्किल की तो इसकी जो स्किल है वो मुझे बहुत ही ज्यादा ओपी, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगी। और इसकी स्किल ये है कि ये आपके रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर देगी और साथ ही आपके मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज कर देगी। यानी सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब आप इसकी स्किल को यूज करोगे तो ये आपके रेट ऑफ फायर यानी आप जो भी गन चला रहे हो उसके रेट ऑफ फायर को इंक्रीज कर देगी और साथ ही आपके मूवमेंट स्पीड को भी बढ़ा देगी। लेवल 1 पे ये आपके रेट ऑफ फायर यानी गन के रेट ऑफ फायर को 12.5 यानी 12.5% इंक्रीज कर देगी और साथ ही आपके मूवमेंट को 10% इंक्रीज कर देगी। और बात करें मैक्स लेवल की तो लेवल मैक्स पे ये आपके रेट ऑफ फायर यानी आप जो भी गन यूज कर रहे होगे उसके रेट ऑफ फायर को 25% इंक्रीज यानी बढ़ा देगी, साथ ही आपके मूवमेंट स्पीड को भी 20% इंक्रीज कर देगी। तो मेरे को तो कुल मिला ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगा, आपको कैसा कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 6 पे जो अपडेट निकल के आता है वो अपडेट है हमारे गेम की इमोजीज को लेकर। बहुत टाइम बाद हमारे गेम में न्यू इमोजीज ऐड होने वाले हैं, टोटल 3 इमोजीज ऐड होने वाले हैं हमारे गेम में इस OP36 अपडेट के बाद। और ये कौन-कौन सी इमोजीज होने वाले आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, 3 इमोजीज होने वाले हैं कुछ इस तरह के जैसा कि आप देख सकते हो। तो आपको इन तीनों इमोजी में से सबसे बेस्ट इमोजी कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 5 पे जो अपडेट निकल के आता है वो अपडेट है हमारे गेम में आने वाले एक न्यू ग्रेनेड को लेकर। इस ग्रेनेड का नाम होने वाला है स्मोक डोम ग्रेनेड और ये ग्रेनेड जो है हमारे स्मोक ग्रेनेड का बड़ा भाई होने वाला है। और ये ग्रेनेड हमारे फ्री फायर का सबसे हट के सबसे यूनिक ग्रेनेड होने वाला है, क्योंकि जब आप इस ग्रेनेड को यूज करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का टोर्नेडो बन जाएगा यानी बवंडर आ जाएगा पूरा का पूरा। और ये बवंडर कुछ इस तरह का बनेगा जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। और इस बवंडर ग्रेनेड की स्पेशल एबिलिटी मैं आपको बता दूं कि जब आप इस ग्रेनेड के बवंडर के अंदर जाओगे तो बाहर का जो बंदा है जो आपका वो आपको बाहर से अंदर नहीं मार पाएगा और सेम जब आप इसके अंदर रहोगे तो आप भी बाहर वाले बंदे को नहीं मार पाओगे, आपका रेड डॉट उस पे एम जाएगा ही नहीं। वो पता लगे कि बंदे आपको घुस के मार सकते हैं बट तब भी ये एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है क्लैश स्क्वाड प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ये मतलब एक तरह से ये इस पे छुप सकते हैं, इस पे हाइड हो सकते हैं, इसका एडवांटेज लेके बंदों को मार सकते हैं। सो ये वाला बवंडर टोर्नेडो ग्रेनेड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 4 पे जो अपडेट निकल के आता है वो अपडेट है हमारे फुल मैप से रिलेटेड। फुल मैप पे ये जो हमारा रिवाइवल जोन होता है, अभी के टाइम पे जब हम लोग अपने बंदे को अपने टीममेट को रिवाइव दे रहे होते हैं तो यहाँ पे जब कुछ इस तरह का एनिमेशन आता है व्हाइट कलर का यहाँ पे लाइन निकलता है। बट अपडेट के बाद इस वाले रिवाइवल एनिमेशन को चेंज कर दिया गया है। अपडेट के बाद ये वाला जो एनिमेशन ये कुछ इस तरह का दिखेगा जो कि काफी बढ़िया ही लग रहा है। वैसे इस अपडेट को लाना कुछ ज्यादा कोई जरूरी नहीं था बट तब भी ला दिया तो तब भी ठीक ही है। वैसे आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3 पे जो अपडेट निकल के आता है वो अपडेट हमारे स्पेक्टेड व्यू को लेकर। अपडेट के बाद जब आप किसी बंदे को स्पेक्टेट कर रहे होंगे तो आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको डैमेज करके यहाँ पे दो न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला होगा यहाँ पे टूक डैमेज और दूसरा होगा यहाँ पे इन्फ्लिक्टेड डैमेज। इन्फ्लिक्टेड डैमेज में ये शो करे कि आप जिस बंदे को स्पेक्टेट कर रहे हो उस बंदे ने किस किस को किल किया है, यहाँ पे जिन बंदे को इसने मारा है उसका नेम और वहाँ पे उसने कितना डैमेज दिया ये यहाँ पे दिखाएगा। मतलब जिस बंदे को स्पेक्टेट कर रहे हो और उसके मतलब 5 किल तो यहाँ पे आप नाम पता कर सकते हो कि उस बंदे ने किस किस को मारा है। और साथ ही यहाँ पे जो टूक डैमेज वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको रीजन फॉर एलिमिनेशन दिखाएगा, यानी आप जो एलिमिनेट हुए वो किस रीजन से हुए, यहाँ पे किस गन से मारा गया, किस बंदे ने मारा है यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे इस नाम के बंदे ने इस गन से मारा है, इस गन से फिनिश किया है। तो ये अपडेट मेरे को काफी बढ़िया लगा, मतलब गेम को थोड़ा सा और डीप बनाया जा रहा है, मतलब लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले सके। नंबर 2 पे जो अपडेट निकल के आता वो अपडेट हमारे रिपोर्ट सेक्शन से लेकर। हम जब किसी बंदे को रिपोर्ट करने जाते हैं तो ये जो रिपोर्ट का सेक्शन है इस रिपोर्ट के सेक्शन को और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। अपडेट के बाद आपको रिपोर्ट में टोटल 3 सेक्शन देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले होने वाला चीट,
उसके बाद होने वाला रिपोर्ट टीमिंग, उसके बाद होने वाला इन अप्रोप्रिएट नेम, यानी उस बंदे का जो नेम है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी इम्प्रूव किया गया रिपोर्ट वाला सेक्शन। नंबर वन, तो दोस्तों नंबर वन में जो अपडेट निकल के आता है, ये अपडेट होने वाला हमारे क्लैश स्क्वाड मोड को लेकर। सीरियसली बोल रहा हूँ, क्लैश स्क्वाड मोड में बहुत सारे अपडेट्स आने वाले, बहुत सारे चेंजेस किए हैं गरीना वालों ने, और करे भी क्यों ना, क्योंकि अभी के टाइम पे जो है क्लैश स्क्वाड मोड की जो ऑडियंस है, क्लैश स्क्वाड मोड को खेलने वाले जो ऑडियंस है, अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। अपडेट ये है कि इस वाले OP36 अपडेट के बाद जब आप क्लैश स्क्वाड मोड खेलोगे तो आपको जो एनिमी होता है उसमें रेड मार्क शो होगा, एनिमी का जो कैरेक्टर है, जो बॉडी है, उसके बॉर्डर पे आपको रेड रेड लाइन, रेड रेड कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। और सिंपली मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज है ये BGMI से कॉपी की गई है। BGMI और PUBG में जब TDM खेलोगे तो जो एनिमी होता है उसके बॉडी में भी कुछ ऐसा ही रेड रेड डॉट, रेड रेड जो बॉर्डर है वो बन के आता है। और ये चीज फ्री फायर में आ रही है, काफी बढ़िया बात है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जो एनिमी और जो आपका टीममेट वो सेम ड्रेस पहन के होता है, कई बार इस सेम ड्रेस वाले कंफ्यूजन की वजह से जो एनिमी है उसको हम लोग टीममेट समझ लेते हैं और फिर जो एनिमी वो हम लोग को मार देता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और क्लैश स्क्वाड को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए ये जो अपडेट है ये लाया जा रहा है, जिसमें जो एनिमी है उसके बॉडी पे जो रेड रेड कलर का बॉर्डर कुछ लाइन आएगा, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि रेड वाला जो है वो खतरा है, वो आपका एनिमी और उसको आप मार दोगे। तो ये अपडेट आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, तो जरूर से शेयर कर देना। और इन सभी अपडेट में से आपको सबसे बेस्ट अपडेट कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप सेट कर दो, क्योंकि ऐसे ही कमाल की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।